अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू रियडिफाई। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेशियल मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आपकी स्किन को इंस्टेंट मॉइस्चराइज करेगी। इसे ऐसा फेशियल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और सारे स्टेप्स वन बाय वन देखने हैं। ये जो क्रीम मैं बनाऊंगी वो मैं राइस फ्लोर से बनाऊंगी, सो इसलिए डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर, और ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये राइस फ्लावर जब आप ग्राइंड करें तो बहुत ही थिन पाउडर में इसको ग्राइंड करें अगर आप घर में पीस रहे हैं। ये मैंने बाहर से बाय किया है क्योंकि हम यहाँ पे क्रीम बना रहे हैं। अगर आप इसे ठीक से ग्राइंड नहीं करेंगे तो ये स्क्रब फॉर्म में आएगा लेकिन क्रीम फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर। उसके बाद आपने सेम क्वांटिटी की एलोवेरा जेल लेनी है। यहाँ पे मेरे पास बाहर की एलोवेरा जेल है क्योंकि अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप बाहर की जेल को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं क्रीम बना रही हूँ। अगर आप फेस पैक बना रहे हैं तो उसमें आप ऑर्गेनिक जेल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपने कंपनी का एलोवेरा जेल लेना है अगर आप इफ़ यू आर मेकिंग अ क्रीम और फेशियल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स। ऑलिव ऑयल हम क्यों किसी भी क्रीम में ऐड करते हैं, ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है आपको और आपकी स्किन में जो इंस्टेंट ग्लो होता है वो लेकर आता है ऑलिव ऑयल। यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन के फ्यू ड्रॉप्स। ये क्रीम अगर आप विंटर में बना रहे हैं तो आप ग्लिसरीन को ऐड करें, अदरवाइज अगर आप इसको समर सीजन में बना रहे हैं तो आप ग्लिसरीन को स्किप भी कर सकते हैं, या जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उसके लिए ग्लिसरीन बहुत इफ़ेक्टिव होती है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर से आपकी स्किन पे इंस्टेंट शाइन आएगी और मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम में या फेशियल क्रीम में कोकोनट ऑयल एक असेंशियल एलिमेंट है जो हम हमेशा किसी भी क्रीम में ज़रूर ऐड करते हैं, होममेड क्रीम अगर आप बना रहे हैं। इससे ड्राई स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून कोकोनट ऑयल लिया है। आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है उस वक्त तक ताकि ये एक क्रीम बन जाए। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी, कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है इस क्रीम का। देन ये आपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है। आप इसे ऐसा फेशियल क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं और मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब करें।